चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षराज चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम नीट 23 एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या क्या कंडीशन है इनकी, इसको आप भलीभांति जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। क्योंकि अगर हम 4 मार्क्स इस प्रकार से खो देते हैं तो 20 मार्क्स का अंतर होता है। अगर 4 क्वेश्चन इस प्रकार से हम गलत कर देते हैं तो 20 मार्क्स का इसमें अंतर पड़ता है, और ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है सिलेक्शन के लिए। ये 21 और 21-2 में उन स्टूडेंट्स को पता है जिनके 590 से 595 का स्कोर रहा है, उनको पता है कि नीट में एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सेक्शन ए का अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, सेक्शन बी का करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कहां पर आपको गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मार्क्स मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपने किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि नीट का जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सब्जेक्ट में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटनी में। इन 4 सब्जेक्ट में सेक्शन ए और सेक्शन बी आते हैं। ओमार का जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें सेक्शन ए में हर एक सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन आते हैं जो ओमार सीट में, जिसके आंसर आप ऊपर लिख सकते हैं। इसमें सेक्शन बी में नीचे 15 क्वेश्चन हैं जिनमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके ये जो सेक्शन बी के आंसर होते हैं वो आपको यहाँ नीचे ही देने हैं। कहने का मतलब ये है कि ओमार का जो डिस्प्ले होता है सेक्शन ए इसमें ऊपर होता है और सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन नीचे होते हैं। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूरे करने से, यानी कि इसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन है करने हैं, ये ऑप्शनल है, यानी कि 15 में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, चाहे वो सेक्शन ए का हो चाहे सेक्शन बी का हो। तो ये तो होगी टोटल मार्क्स की कंडीशन। इसमें जो 35 क्वेश्चन सेक्शन ए के होते हैं 140 मार्क्स गेन करते हैं, अगर आप पूरे 35 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट देते हैं तो। इसमें जो सेक्शन बी है 10 क्वेश्चन के आंसर अगर करेक्ट देते हैं तो 40 मार्क्स यहां गेन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हर एक सब्जेक्ट का 180 का इसमें आंसर हो जाते हैं टोटल, और 720 का पेपर बन जाता है नीट का। टोटल जो आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन वो 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो टाइमिंग होता है वो 200 मिनट्स का होता है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अब इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम एक बार जान लेते हैं कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमें कौन सा क्वेश्चन कब सही या गलत करने से मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। तो इस बात का हमें पता है कि एक क्वेश्चन हम अगर करेक्ट आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें कंडीशन दे रखी है सेक्शन ए के लिए कि अगर किसी क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आप 4 मार्क्स गेन करेंगे, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मान लो 33 क्वेश्चन है, इसका आंसर एनटीए ने थर्ड ऑप्शन मान रखा है और आपने भी 3 दिया है, तो आपको यहाँ पर इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग देते हैं, एनटीए ने मान लो किसी क्वेश्चन को, यही मान लेते हैं हम 33 क्वेश्चन को, अगर एनटीए ने 2 ऑप्शन दे रखा है आपने 3 दे दिया, आपका ये गलत हो गया है, तो -1 मार्क्स आपके यहाँ डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपके जितने भी मार्क्स आपने करेक्ट आंसर से लिए हैं उनमें से जितनी आप इनकरेक्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन का एक आंसर कट जाएगा गलत क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके -1 मार्क्स होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आप रिप्लाई नहीं देते हैं, कोई आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जैसे मान लो 31 क्वेश्चन है, इसका कोई अटेम्प्ट नहीं किया गया है आंसर, तो इसमें न तो कोई मार्क्स मिलेगा और न ही कोई मार्क्स कटेगा इस कंडीशन में। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर किसी क्वेश्चन के 1 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, किसी क्वेश्चन के 1 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई कैंडिडेट करेक्ट ऑप्शन देता है तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लो ये 30 नंबर क्वेश्चन है,
एंटीएनी इसके तीन आंसर हैं, वो करेक्ट दे रखे हैं, एक दो तीन दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन के एनटीए ने तीन आंसर दे रखे हैं और आपने फोर आंसर कर दिया यहां, तो फोर आंसर कर दिया मतलब आपका माइनस, ये क्वेश्चन नेगेटिव में चला गया, आपका -1 मार्क्स यहां पर डिडक्ट हो जाएगा, 1 मार्क्स। लेकिन अगर एनटीए ने तीनों ऑप्शन माने, इनमें आपने तीनों ऑप्शनों में कोई सा एक ऑप्शन दे दिया इन तीनों में, तो आपको 4 मार्क्स यहां मिल जाएंगे। कहने का मतलब है जिस स्टूडेंट ने एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उन्हीं करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन दिया है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर उसने ऑप्शन नहीं दिया उनके अलावा दे दिया तो -1 मार्क्स उसके कट जाएंगे। मेरे ख्याल से इस प्रकार से आप इसको समझ गए होंगे। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, मगर मान लो अगर ये 30 क्वेश्चन है, एनटीए इसके दो आंसर करेक्ट करता है 1 और 2, अगर आपने 1 और 2 में कोई दोनों में से एक कर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 3 और 4 में कर दिया तो आपका -1 मार्क्स यहाँ डिडक्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होने की कंडीशन में, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो इसको अटेम्प्ट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, अगर किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट हैं तो उस कंडीशन में अगर किसी स्टूडेंट ने उसको अटेम्प्ट किया है तो सभी कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, ये एक ही कंडीशन में है। मान लो ये क्वेश्चन है 1:33, इसके एनटीए ने चारों ऑप्शन करेक्ट माने हैं, 1 भी करेक्ट माना है, 2 भी करेक्ट माना है, 3 भी करेक्ट माना है, 4 भी करेक्ट माना है। अगर आपने थर्ड ऑप्शन दे रखा है, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3, 4, जो भी ऑप्शन आपने दे रखा है, यानी इसको आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपके 4 मार्क्स यहां जुड़ जाएंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है यहां पर तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इस कंडीशन में, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं और जिस कैंडिडेट ने इसको अटेम्प्ट किया है उसको मिल जाएगा 4 मार्क्स, चाहे उसने कोई सा भी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है इस कंडीशन में। तो ये हो गया अगर चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि इनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, चारों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है और यहां पर जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है, क्वेश्चन ही गलत है, या क्वेश्चन एनटीए द्वारा ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में सेक्शन ई के सभी कैंडिडेट्स को 4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। मान लो 31 क्वेश्चन है, इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट नहीं किया है इसको, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके ऑप्शन ही सारे गलत हैं, इसमें क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है, बोनस हो गया है क्वेश्चन, तो इस कंडीशन में सभी कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे किसी ने ये अटेम्प्ट किया है या ये अटेम्प्ट नहीं किया है। तो ये सेक्शन ए की कंडीशन है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी की कंडीशन। तो सेक्शन बी की कुछ कंडीशन तो इसमें सिमिलर हैं, लेकिन जो एक लास्ट की कंडीशन है 6 नंबर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सेक्शन ए से। तो एक बार हम देख लेते हैं सेक्शन बी के, मैंने जैसे भी आपको बताया है यहां पर इसके नीचे ही नीचे हर एक सब्जेक्ट के सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन यहां पर आएंगे, यहां पर जो टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपने यहां पर 10 क्वेश्चन करने हैं। तो कंडीशन 1 वही है जो सेक्शन ए में थी, अगर किसी आप करेक्ट आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का तो आपको 4 मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे, अगर आप इनकरेक्ट देते हैं तो -1 मार्क्स आपका कट जाएगा। इसके बाद अगर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं उस कंडीशन में, जो करेक्ट ऑप्शन है अटेम्प्ट किया है उसी को 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो करेक्ट ऑप्शन नहीं माना है एनटीए ने, आपने इनकरेक्ट वाला कर दिया है तो एक आपका माइनस मार्किंग चला जाएगा यहां पर। इसके बाद लास्ट में वही क्वेश्चन है जो 5th नंबर का है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक ऑप्शन से ज्यादा अगर करेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर किसी के चारों ऑप्शन करेक्ट होते हैं, सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो उन कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिलेंगे जिसने इसको अटेम्प्ट किया है, जिसने इसको
अटेम्प्ट किया है उसको 4 मार्क्स मिलेंगे यहां पर, तो ये कंडीशन है। अब जो लास्ट वाली कंडीशन है ये सेक्शन ए से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें यहां पर है कि सेक्शन बी के अंदर अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या उसके ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं या एनटीए द्वारा वो ड्रॉप कर दिया जाता है, तो 4 मार्क्स उसी कैंडिडेट को मिलेंगे जिसने ये अटेम्प्ट किया है, जिसने ये अटेम्प्ट किया है उसी को यहां पर 4 मार्क्स मिलेंगे। अब सेक्शन बी में ये अलग कंडीशन थी, सेक्शन बी में अलग कंडीशन ये थी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत करार कर दिया जाता है, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है एनटीए द्वारा, तो वो क्वेश्चन अगर सेक्शन ए में है, वही क्वेश्चन अगर सेक्शन ए में है तो सभी कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिलेंगे, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को या नहीं किया है, सभी को मिलेंगे। लेकिन सेक्शन बी के अंदर उसी कैंडिडेट को मिलेंगे जिसने ये अटेम्प्ट किया है, जिसने ये अटेम्प्ट किया है उसी को ये 4 मार्क्स मिलेंगे। ये कंडीशन डिफरेंट है सेक्शन ए और सेक्शन बी से। अब इसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, आपने यहां सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने हैं वो बड़े ही ध्यान से करने हैं, क्योंकि इसमें पहले जो 10 क्वेश्चन हैं वही कंसीडर किए जाएंगे कंप्यूटर द्वारा। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। मान लो आपने 36 नंबर कर दिया, 37 कर दिया, 38 कर दिया, 39 कर दिया, 40 और 41 दो आपने यहां पर बीच में छोड़ दिए, इसके बाद 42 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, फिर ये सारे के सारे आपने अटेम्प्ट कर लिए, तो इसके अंदर जो आपने ये जो पहले 10 क्वेश्चन हो रहे हैं यही 10 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर द्वारा माने जाएंगे, गिने जाएंगे। अगर इसके बाद आप 15 नंबर भी कर देते हैं 11 नंबर का, तो ये 10 क्वेश्चन ही इसके आंसर ही गिने जाएंगे इसमें। यानी कि पहले 10 क्वेश्चन जो भी आपने कर रखे हैं, चाहे वो गलत कर रखे हैं चाहे वो सही कर रखे हैं, कंप्यूटर द्वारा वही एक्सेप्ट किए जाएंगे, वही कंसीडर किए जाएंगे। फिर से एग्जांपल के तौर पर आपको मैं बता देता हूं कि मान लो आपने ये ऊपर के 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए, बिल्कुल सही कर दिए, और आपने 11th वाला ये क्वेश्चन 49 नंबर का गलत कर दिया, इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो आपके 10 मार्क्स के पूरे मार्क्स मिलेंगे, 10 क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको 40 मार्क्स। ये आपने गलत कर दिया तो कोई इसका नेगेटिव नहीं कटेगा। अगर आपने इन 10 में से कोई एक क्वेश्चन गलत कर दिया, 9 क्वेश्चन सही कर दिए, एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, 11 क्वेश्चन आपने गलती से कर दिया और वो सही कर दिया, तो ये ऊपर वाले 10 क्वेश्चन यानी कि 9 क्वेश्चन सही के मिलेंगे, एक जो गलत कर रखा है उसका नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कट जाएंगे यहां पर। तो इस प्रकार से आपने गलती नहीं करनी है, इसमें 10 क्वेश्चन ही आपने करने हैं। आपके पास 200 मिनट्स का टाइम होगा, पहले आप कैलकुलेट करें कि आपको इसमें 10 क्वेश्चन ही करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं करने हैं। अक्सर स्टूडेंट यहां गलतियां करते हैं, पहले जब 10 क्वेश्चन करेंगे अगर उसमें कोई सा भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वाला क्वेश्चन कर देंगे कि ये तो मेरा सही होगा, कंप्यूटर सही सही को देखेगा गलत को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। इसमें वही क्वेश्चन कंप्यूटर द्वारा काउंट किए जाएंगे जो पहले 10 कर रखे हैं आपने, चाहे वो कोई से भी कर रखे हो पहले 10 किए जाएंगे, चाहे उनमें गलत हो तो उन्हीं 10 में से कंसिडर किया जाएगा गलत, और सही है तो उन्हीं 10 में से सही किया जाएगा। तो आपने ये गलती कभी नहीं करनी है। एग्जाम के दौरान बड़े ही टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देनी है आपको, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में सेक्शन ए के क्वेश्चन करने के बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन करने हैं आपको, और उसमें ये इंश्योर कर लेना है कि मैंने 10 क्वेश्चन ही किए हैं, 11th जो क्वेश्चन है वो कंसिडर नहीं होगा। तो जो कंडीशन थी मैंने आपको इसमें बता दी है, इस प्रकार से आपने किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार की आप गलती करते हैं, आपने भी की होगी, अगर आपने 21-22 का एग्जाम दिया है तो इस प्रकार की स्लाइटली मिस्टेक आपने जरूर की होगी, और ये मिस्टेक हर एक स्टूडेंट के
कम से कम 20 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स तक का नुकसान करवा देती हैं, क्योंकि आप अपना 21 का और 22 का एक बार पेपर उठा के देखेंगे या आपने घर आके चेक किया होगा, तब आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन तो मेरे को करेक्ट आता था, मैंने ये जानबूझ के गलत कर दिया, किसी का ऑप्शन गलत फिल हो गया, किसी का जो राउंड काटते समय है वो राउंड गलत थे फिल, तो ओमार फिल करने में इस प्रकार की मिस्टेक करने से कम 15 या 20 या 25 मार्क्स का डिफरेंस होता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन की रेंज से आपको बाहर भी कर सकता है और अच्छा कॉलेज भी दिला सकता है। तो इस प्रकार की मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये जानकारी थी, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।